गुड मॉर्निंग. इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 14 बजेटिंग. ओके, इन दैट वी स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजेटरी कंट्रोल. व्हाट इज बजेट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजेटरी कंट्रोल. In that, planning, coordination and control. Then advantages of budgetary control. Then limitations of the budgetary control. Okay? जो भी budget हम fix करते हैं या फिर निकालते हैं उसके advantages और limitations क्या क्या हैं. उसके बाद में अभी हमें देखना है, उसके बाद में हमने देखा था रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इफेक्टिव बजटिंग. अगर हमें बजटिंग जो है वो इफेक्टिव बनाना है, जो भी बजट हमने निकाला है वो इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए ऐसा लगता है, तो हमें कुछ पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने होंगे. तो है कोऑर्डिनेशन विद द टॉप मैनेजमेंट, क्लियरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम, एम्बिगुअस पॉलिसीज, प्रिपरेशन बाय द इरिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स, कॉन्स्टेंट विजिलेंस, बजट कमिटी, देन कॉस्ट प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, रिजनेबली अटेनेबल गोल्स, देन कंटिन्यूअस बजट एजुकेशन. दीज आर द सम रिक्वायरमेंट्स फॉर द इफेक्टिव बजटिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बजट कंट्रोल. ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बजट कंट्रोल. बजट कंट्रोल करने के लिए हमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. ओके, तो फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बजट सेंटर्स. ओके, जो भी बजट सेंटर्स है उसे हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे. देन अ सेपरेट बजट सेंटर्स और द सेल्स इज सेटअप इन विच departments of the firm for the purpose of preparing its own budget under the guidance of the head of that department. Okay, means जो भी budget centers है या फिर sales है वो हम set up करेंगे each department में. ठीक है, हर एक department में हम budget control के जो sales है या फिर centers है उनको set up करेंगे. इनका purpose क्या है, तो जो भी budget है ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो गाइड करेगा बजट प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, तो इसे बोलेंगे बजटिंग सेंटर या फिर बजट सेंटर्स. सेकंड पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. ओके, अ प्री रिक्विसाइज टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज दैट द फर्म्स अकॉर्डिंग टू accounting system is able to record and analyze the information required for the preparing budget. A chart of account is maintained which corresponds to the need of the budget center. Okay, budget center में जो भी budget हमने निकाला है उस budget को हम accounting department में या फिर accounting system जो है उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. हमारे जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स है वो हम एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे कि अभी जो बजट हमने बनाया है वो और जो लास्ट बजट था या फिर जो भी लास्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हुए है उसको हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अभी जो हमने बजट निकाला है वो एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें चेंजेस करने की जरूरत है. नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट विच डिफाइंस द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट इज प्रिपेयर्ड. Thus, each one in the management knows his position in the organization and his relationship to the other members. Okay? तो organization जो है उसका chart हम prepare करेंगे, means उसके functions क्या है, responsibilities क्या है. Each member जो है, means हर एक जो member है organization का, उसके ऊपर क्या responsibilities है, उसकी क्या functions है वो हम देखेंगे, उसकी position कौन सी है, उसका relationship other member के साथ में कैसा है, वो सब हम organization का chart prepare करेंगे. Then
नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बजट कमिटी. ओके, देन हम क्या करेंगे, बजट कमिटी फॉर्म करेंगे. इट इज़ एडवाइजेबल फॉर द फर्म टू हैव अ बजट कमिटी. ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एडवाइस होती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बजट कमिटी होनी चाहिए. दिस कमिटी कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, द बजट ऑफिसर एंड हेड ऑफ द मेन डिपार्टमेंट्स. ईच मेंबर विल प्रिपेयर हिज ओन एसेंशियल बजट और बजट्स विच विल देन बी कंसिडर्ड बाय द कमिटी एंड ऑल बजट्स विल बी कोऑर्डिनेटेड. थस मेन फंक्शंस ऑफ द बजट कमिटी आर, ये जो बजट कमिटी है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं. ओके, तो टू प्रोवाइड द पास्ट डाटा रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द फर्म, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन फोरकास्टिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. ओके, ये जो बजट कमेटी है ये क्या करती है, तो लास्ट ईयर का या फिर पास्ट का जो भी डाटा होगा वो उसे वो वर्किंग मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट को देती है और उसे हेल्प करती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को सिलेक्ट करने में. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है टू इश्यू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द बजट रिक्वायरमेंट्स, डेडलाइंस, डेट्स फॉर द रिसीप्ट ऑफ बजट एक्सेट्रा. ओके, ये क्या करती है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर जो भी डेट्स होती है वो रिसीव करती है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो रिसीव करती है, और जो भी रिसिप्ट या फिर बजट के लिए लास्ट डेट है या फिर डेडलाइंस जो है वो इनको पता होती है, तो ये वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिफाइन द जनरल पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट इन रिलेशन टू द बजट. जो भी बजट से रिलेटेड जनरल पॉलिसीज होती है उनको ये डिफाइन करती है. देन टू एडवाइस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, बजट के प्रिपरेशन के लिए जो एडवाइस लगती है वो भी ये देती है. देन टू रिसीव एंड रिव्यू बजट एस्टिमेट्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड देन मेक रिकमेंडेशन. ये जो भी बजट है उसे रिव्यू करती है और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होती है उनको ये रिसीव करती है, उनके जो भी बजट्स है उनको रिव्यू करेगी, उनसे रिसीव करेगी और रिकमेंडेशन के लिए उनको प्रिपेयर करेगी. देन टू सजेस्ट रिविजन्स एंड अमेंडमेंट्स ऑफ टू द बजट. ओके, रिविजन्स एंड अमेंडमेंट टू द बजट्स, बजट्स के लिए कौन कौन से रिविजन्स करने की ज़रूरत है या फिर कौन से अमेंडमेंट्स मीन्स कौन से चेंजेस उसमें करने चाहिए, ये सजेस्ट करती है बजट कमिटी, सजेस्ट करती है. टू अप्रूव द बजट्स, बजट्स को अप्रूव करने का काम भी बजट कमिटी का होता है. देन नेक्स्ट टू एंश्योर दैट बजट्स आर सबमिटेड इन ड्यू टाइम, ड्यू टाइम के पहले बजट सबमिट होना चाहिए. देन टू प्रिपेयर बजट समरीज इफ नेसेसरी, अगर बजट की समरीज नेसेसरी है तो उससे शॉर्ट पॉइंट्स निकालने का काम भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है. टू प्रिपेयर द मास्टर बजट आफ्टर वेरियस फंक्शनल बजट्स हैव बीन अप्रूव. ओके, मास्टर बजट प्रिपेयर करने का काम भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का होता है. देन टू रिसीव स्टडी एंड एनालाइज द पेरियोडिकल रिपोर्ट्स कंपेयरिंग टोटल परफॉर्मेंस विद द बजट परफॉर्मेंस. टू रिसीव स्टडी एंड एनालाइज पीरियोडिकल रिपोर्ट्स कंपेयरिंग टोटल परफॉर्मेंस, जो भी बजट का परफॉर्मेंस है, टोटल परफॉर्मेंस है, उसे रिसीव करना, स्टडी करना, एनालाइज करना है और उसकी पीरियोडिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने का काम भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का होता है. देन नेक्स्ट टू कंसिडर द पॉलिसीज रिगार्डिंग फॉलो अप प्रोसीजर्स, जो भी पॉलिसीज है उसकी फॉलो अप प्रोसीजर लेने का काम भी उनका होता है. टू कंसिडर रिकमेंडेशंस फॉर चार्जेस इन बजट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. ओके, जो भी रिकमेंडेशन चेंजेस होते हैं इन बजट एंड पॉलिसीज, पॉलिसीज में या फिर प्रोसीजर्स में जो भी चेंजेस होते हैं उनको अडॉप्ट करने का काम भी इनका होता है. टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द बजट मैनुअल, बजट मैनुअल में रिकमेंडेशन करने का काम भी इनका होता है, बजट कमिटी का होता है. ओके,
ये जो पॉइंट्स है इसके लिए बजट कमेटी एस्टेब्लिशमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ द बजट मैनुअल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बजट मैनुअल को प्रिपेयर करेंगे। बजट मैनुअल इज अ डॉक्यूमेंट विच सेट आउट द ड्यूटीज ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूटीन ऑपरेशन ऑफ एंड द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर बजटरी कंट्रोल। इट इज यूजुअली इन loose leaf form so that alterations can be easily made as and when required, and index may be provided so that information can be easily located. Okay, तो हम क्या करेंगे, तो बजट का एक मैनुअल प्रिपेयर करेंगे लूज फॉर्म में ही, उसमें इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, देन उसको अल्टर करेंगे इजिली एंड वेन रिक्वायर्ड, उसको हम जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहाँ पे इंडेक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इजिली उसको लोकेटेड करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड। बजट पीरियड को फिक्स कैसे करेंगे, तो बजट पीरियड मे बी डिफाइंड एज द पीरियड फॉर विच द बजट इज प्रिपेयर्ड एंड एम्प्लॉयड। ओके, बजट पीरियड क्या होता है, तो बजट पीरियड एक टाइम है जो बजट प्रिपेयर करने से लेकर एम्प्लॉयड होने तक का टाइम। ठीक है, हमने आज बजट प्रिपेयर किया और वो जब एप्लीकेबल हुआ तब तक का जो टाइम होगा उसे बोलेंगे बजट पीरियड। ओके, देयर इज नो प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर द बजट। बजट के लिए कोई प्रिस्क्राइब पीरियड नहीं है, आज हमने बजट प्रिपेयर कर दिया लेकिन एप्लीकेबल वो अगले साल हुआ, तो ऐसा हो सकता है, बजट के लिए कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं होता। बजट में भी प्रिपेयर ऑन शॉर्ट और लॉन्ग टर्म्स। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए भी हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बजटिंग इज यूजुअली कॉस्टली टू प्रिपेयर एंड ऑपरेट। ओके, शॉर्ट टर्म बजटिंग जो होती है वो कॉस्टली होती है प्रिपेयर करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए, वाइल लॉन्ग टर्म बजटिंग मे बी कंसिडरेबल अफेक्टिंग बाय अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो लॉन्ग टर्म बजटिंग जो होती है वो कंसिडरेबली अफेक्टेड बाय अनसीन कन्फर्मेशंस, सॉरी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बजटिंग अफेक्ट हो सकती है, कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम्स आए तो वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म बजटिंग जो होती है वो कैसी होती है, तो कॉस्टली टू प्रिपेयर करने के लिए कॉस्टली होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल इंस्ट्रक्शंस टू इन द टेक्निक। जनरल इंस्ट्रक्शंस इन टेक्निक, दिस इज मीन्ट फॉर ऑल दोज हु आर कंसर्न विथ ऑपरेटिंग दिस सिस्टम। दे मस्ट बी वेल एक्वाइंड विद द टारगेट फिक्स फॉर एवरी वन ऑफ देम एज वेल एज विद द रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ द टारगेट। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस और टेक्निक्स क्या क्या है टारगेट को फुलफिल करने के लिए, बजट को अप्लाई करने के लिए, तो वो हम फुलफिल करेंगे और टारगेट को अचीव करेंगे। देन नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स। ओके, की फैक्टर मीन्स द फैक्टर्स एक्सटेंट ऑफ हुज इन्फ्लुएंस मस्ट फर्स्ट बी असेस्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट फंक्शंस बजट्स आर रीजनेबली कैपेबल ऑफ फुलफिलमेंट। द की फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग और गवर्निंग और प्रिंसिपल बजट फैक्टर। द फैक्टर की फैक्टर इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस सिंस इट डिटरमाइंस प्रायोरिटीज इन फंक्शनल बजट्स। सेल द मेन की फैक्टर इन द इंडस्ट्री। ओके, बजटिंग के लिए की फैक्टर्स क्या क्या है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, उसके लिए प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट्स। बजट के लिए क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो बजट के लिए तीन टाइप में हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस। फर्स्ट,
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर। देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर बजट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ओके, टाइम फैक्टर का जो बजट है उसे हम तीन टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट। ओके, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट। ओके, लॉन्ग टर्म बजट क्या होता है? द बजट इज मेनली कंसर्न विथ प्लानिंग द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years। The budget is generally in the form of the physical quantities. Okay? Long term budget क्या होता है? तो long term budget में 5 साल से लेकर 10 साल तक ये operation चलता है या फिर ये budget हम prepare करते हैं और ये physical quantities इसमें present होती है, ऐसे budget को हम long term budget बोलेंगे। Short term budget क्या होता है? तो period 1 year to 2 years, ऐसे 2 साल तक का जो period, time period होता है उसके लिए अगर हम budget prepare करते हैं तो, और उसमें अगर प्लान इन मॉनेटरी वैल्यू मीन्स उसमें सिर्फ पैसे इन्वॉल्व होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होंगे? कैश इन्वॉल्व होगी, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बजट। करंट बजट क्या होता है? द बजट व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ द मंथ और सो इट इज नोन एज करंट बजट। इट इज एडजस्टेड टू करंट कंडीशंस और prevailing circumstances, okay? Current budget क्या होता है? तो अभी एक महीने का जो बजट हमने प्रिपेयर किया है उसे बोलेंगे करंट बजट, ये एडजस्टेबल होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है बजट का। तो बजट जो होता है तीन टाइप में हम क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर, उसमें हमने तीन बजट देखे, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट एंड करंट बजट। सेकेंड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर, उसमें दो बजट्स आते हैं, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। ओके, और फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें 10 बजट्स आते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हम देखेंगे फिक्स बजट्स और फ्लेक्सिबल बजट। ओके, फिक्स बजट जो है उसमें क्या होता है? तो इट इज अ बजट इन विच टारगेट्स आर रेडियली फिक्स, इसमें टारगेट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। सच बजट्स आर यूजुअली प्रिपेयर 1 to 3 months इन एडवांस ऑफ द फिकल ईयर टू विच दे प्रेटेन। दिस टाइप ऑफ बजट इज मोस्ट सुटेड फॉर फिक्स एक्सपेंसेस विच हैव नो रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। A fixed budget has a very limited applications and is effective as a tool for the cost control. Okay? ये जो fixed budget होता है ये हम बोल सकते हैं कि targets are readily fixed. Target जो होते हैं इसके लिए fix होते हैं। ऐसे जो budgets होते हैं ये हम 3 महीने के prepare करते हैं advance में। ठीक है, then ये जो बजट होता है वो फिक्स एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है, इसमें वॉल्यूम या फिर आउटपुट कितना होना चाहिए ये एप्लीकेबल नहीं होता या फिर ये सजेस्ट नहीं किया होता। देन नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल बजट, ये फिक्स है, मीन्स इतना टारगेट तो हमें मिलने ही वाला है, फिक्स एक्सपेंसेस है, इतना तो हमारा जाने वाला लाइट बिल इतना ही आने वाला है, हमें पे ही करना है, इतने ही पैसे हमें इस प्रोडक्ट से मिलने वाले हैं, ये भी फिक्स है, इसे बोलेंगे फिक्स बजट। ओके, देन नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? इट इज डिजाइन टू चेंज अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। द फिगर्स यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ बजट आर एडेप्टेबल टू एनी गिवन सेट ऑफ प्रिपरेटिंग conditions, it is more elastic, useful and practical. Okay, ये जो budget होता है flexible budget, ये more elastic then useful and practical होता है, useful होता है बहुत, practical होता है और elastic होता है। ठीक है, ये जो flexible budget होता है ये change होता है according to the actual activity attended, कितने activity attend हुई है उसके हिसाब से वो ये change होता है। ठीक है, now थर्ड पॉइंट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ओके, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है
क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं उसके बेसिस पर होता है। इसमें 10 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स बजट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? सेल्स बजट। ओके, इट फोरकास्ट एज टू हाउ मच बिजनेस कैन बी रीजनेबली एक्सेप्ट टू सेल टू इट्स सरकम कस्टमर्स एंड एट वॉट प्राइस ड्यूरिंग द बजट पीरियड। ओके, इसमें क्या होता है तो बिजनेस जो है उसमें रिजनेबली एक्सपेक्ट सेल टू द कस्टमर क्या है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके एक्चुअल प्राइस क्या है ड्यूरिंग बजट पीरियड, बजट पीरियड में उसकी ड्यूरिंग उसकी प्राइस क्या है। द सेल एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सेल मैनेजर विद द हेल्प ऑफ सेल्समैन एंड मार्केट रिसर्च पर्सनल। द सेल्स मैनेजर्स मे टेक इट टू अकाउंट the past sales, market conditions, advertisements, campaigns, competitions, etc. While prepare the sales budget, the budget is usually prepared in quantities and then evaluated at budget unit price. Okay. Next point is selling and distribution cost budget. Okay. Selling and distribution cost budget. The budget's forecast to the cost of selling and distribution of the company product during the cost of during the budget period. Budget period में जो cost of selling और distribution है company का उसे हम measure करेंगे। It is closely concerned with the sale budgets. ये sale budgets से ही closely concerned होता है because it is mainly depend upon the sales manager with the operation of sales officer manager, office manager, distribution manager and advertising manager. Okay, distribution manager, office manager, then advertising manager जो होते हैं ये इनके cooperation से sales manager जो होता है ये इसे sell करता है। Next, production budget. Okay, production budget क्या होता है? It is usually based on the sale budget and desired inventory levels. हमारी जो inventory level है वो कितनी है इस पर ये budget जो होता है ये डिपेंड होता है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द सेल्स फोरकास्ट इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड मे बी प्रोड्यूस टू मीट द सेल्स फोरकास्ट। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो गुड्स होते हैं हमारी इसमें कंपनी में कितने गुड्स हैं इसको डिटरमाइन करेंगे, उसकी क्वांटिटी निकालेंगे और उसके हिसाब से हमारा बजट प्रिपेयर करेंगे, इसे बोलेंगे प्रोडक्शन बजट। While preparing the production budget, factors like sales forecast, budget stock requirements, plants, capacities, purchase of companies, etc. are taken into the account. इसमें हम क्या क्या देखेंगे फिर, plant क्या है, capacity क्या है, requirements क्या है, purchase company, purchases of the company क्या कौन सी है, कौन कौन से factors sales के लिए या फिर forecast के लिए applicable है, ये सब हम production budget में देखेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द बजट, ओके, इट शोन इन डिटेल एंड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कैरी आउट द प्रोडक्शन प्लान्स एज पर द प्रोडक्शन बजट। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस व्हिच मे बी फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट आता है मीन्स इसमें क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है उसके हिसाब से हम बजट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है परचेस कॉस्ट, परचेस बजट। नेक्स्ट है परचेस बजट, इट इज कंसर्न विथ परचेस फॉर द बजट पीरियड। बजट पीरियड में हमने कितने परचेसेस किए हैं इससे ये रिलेटेड होता है। There are several interpretations of the exact meaning of the purchase budget. इसके बारे में बहुत से interpretation किए गए हैं कि purchase budget क्या होता है। Sometimes it includes the purchase of raw material only. Sometimes सिर्फ raw material को हमने purchase किया है वो purchase budget में आएगा। कभी कभी क्या होता है, in other cases the purchase of all direct and indirect material, जो भी direct और indirect material है, fixed assets है या फिर services है, electrical service है, gas है, etc. जो भी आते हैं वो purchase budget में आते हैं sometimes, okay? The main object of making the purchase budget is to formulate the plan which will allow all necessary materials
एंड अदर आइटम्स टू बी परचेस एट द मिनिमम कॉस्ट. ओके, तो इसका बजट हम क्यों निकालते हैं, तो बजट निकालने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आइटम्स होते हैं या फिर जो भी परचेस हम करते हैं वो मिनिमम कॉस्ट में हमें मिलना चाहिए. ठीक है, देन या फिर मिनिमम कॉस्ट कितनी लगने वाली है इसके लिए हम उसको वो बजट निकालते हैं, परचेस बजट निकालते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है लेबर कॉस्ट बजट. नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर कॉस्ट बजट. इट रिप्रेजेंट द एस्टिमेट्स ऑफ द लेबर रिक्वायरमेंट्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द बजट पीरियड. बजट पीरियड में कितने लेबर्स हमें लगने वाले हैं, कितनी डिमांड है कंपनी की, उसे बोलेंगे लेबर कॉस्ट बजट. दिस बजट इज वेरी यूजफुल एज इट डिफाइन द लेबर फोर्स रिक्वायर्ड. कितना लेबर फोर्स हमें चाहिए ये डिफाइन करता है. देन मोर एवर इट इज ऑल्सो एनेबल द पर्सनल डिपार्टमेंट्स टू प्लान अहेड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबर्स. ओके, तो इसमें और कौन सी कॉस्ट आती है, तो जो भी लेबर्स है उसको ट्रेनिंग देने के लिए जो कॉस्ट लगती है या फिर उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स लगते हैं वो सारे पैसे जो आते हैं वो लेबर कॉस्ट बजट में आते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ओवरहेड बजट. प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, द बजट रिप्रेजेंट द फोरकास्ट ऑफ ऑल प्रमोशंस ऑल प्रोडक्शंस ओवरहेडेड टू द इनक्यूर्ड ड्यूरिंग द पीरियड. द ओवरहेडेड एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इंटू फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल. ओके, जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं लाइक प्रोडक्शन तो हमें इतना करना है लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ उसके ऊपर जो कॉस्ट लगने वाली है उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस लगने वाले हैं उसे हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस. ओके, व्हाइल प्रिपेयरिंग द बजट, जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो कंसिडरेशन इज गिवन टू द लेवल ऑफ एक्टिविटीज लाइकली टू अचीव बिकॉज विथ चेंजेस इवन द फिक्स कॉस्ट विल बी चेंज. ओके, कभी कभी क्या होता है जब हम जो बजट निकालते हैं तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो भी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है कैपिटल बजट. इट प्रोवाइड द डिटेल प्लान ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कंसर्निंग द एडिशन इम्प्रूवमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड. बजट पीरियड में जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आते हैं कैपिटल बजट में. द बजट प्रोवाइड द टूल फॉर कंट्रोलिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड एनेबल्स द कंपनी टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम प्रायोरिटीज एंड एक्सपेंडिचर्स. ओके, सिस्टम के जो भी प्रायोरिटीज है, कंपनी के जो भी प्रायोरिटीज है या फिर जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए लगने वाला जो कैपिटल होता है उसे बोलते हैं कैपिटल बजट. ओके, देन नेक्स्ट है कैश बजट. नेक्स्ट पॉइंट इज कैश बजट. इट रिप्रेजेंट द कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द बजट पीरियड. जो बजट पीरियड है, सपोज बजट पीरियड है एक साल का, तो एक साल में कितने कैश हमें लगने वाली है, क्या कितने कैश की हमें रिक्वायरमेंट है, तो इसे कैश बजट में लिखते हैं. इट कंपेयर द एस्टिमेट कैश रिसीव्ड एंड एस्टिमेट कैश डिस्टर्बेंस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द बजट पीरियड. द डिसबर्समेंट the budget is meant for coordinating and controlling the financial side of the business. It ensures that sufficient cash is available when required. If shortage of the cash is expected, necessary action may be taken. If the cash become surplus, the management may be invest or give it on a loan. अगर हमें लगता है कि हमारे बिजनेस में हमें और कैश की ज़रूरत है, जो बजट हमने निकाला था उसके हिसाब से और कैश चाहिए, तो जो मैनेजमेंट होती है वो तो लोन ले सकती है या फिर नेसेसरी एक्शन जो उसको अच्छी लगे वो एक्शन वो ले सकता है जिससे कैश बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो, सॉरी बिजनेस के लिए अवेलेबल हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट आता है मास्टर बजट. नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर बजट. व्हेन द फंक्शनल बजट हैव बीन कंप्लीटेड. फंक्शनल बजट जब कंप्लीटेड हो जाता है तब द बजट ऑफिसर्स विल प्रिपेयर द मास्टर बजट. फंक्शनल बजट प्रिपेयर हो जाने के बाद में
जो बजट ऑफिसर्स होते हैं वो मास्टर बजट प्रिपेयर करते हैं. दिस बजट कंबाइंस ऑल द फंक्शनल बजट्स इनटू द हार्मोनियस यूनिट व्हिच इज फाइनली अप्रूव्ड एडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड. जो भी हार्मोनियस यूनिट्स होते हैं जो फाइनली अप्रूव होते हैं, एडॉप्टेड होते हैं और एम्प्लॉयड होते हैं, और उसमें सारे जो भी फंक्शनल बजट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, कंबाइन होते हैं. ओके, द बजट कंटेंस डिटेल रिगार्डिंग सेल्स प्रोडक्शंस. जो भी बजट होता है उसमें कुछ डिटेल्स होते हैं, लाइक किससे रिलेटेड होते हैं वो, तो रिगार्डिंग टू द सेल्स प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स से रिलेटेड, प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड, कैश पोजिशन से रिलेटेड और की अकाउंट बैलेंस लाइक फिक्स एसेट्स, डेबिटर्स एंड स्टॉक्स से रिलेटेड मास्टर बजट्स निकाले जाते हैं. ऑन द कंप्लीशन ऑफ द बजट इट्स डिटेल इज कंसिडर्ड बाय द बजट कमिटी एंड देन इट इज सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वंस इट इज अप्रूव इट बिकम द टारगेट टू बी अटेन टू द कंपनी ड्यूरिंग द बजट पीरियड. ओके, बजट पीरियड प्रिपेयर होने के बाद में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको वो, या फिर जो बजट कमिटी होती है उनको वो दिया जाता है. बाद में वो उसको रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, बाद में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करते हैं. ठीक है, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया तो उसी के हिसाब से टारगेट अटेन करने की कोशिश की जाती है. ठीक है, और वही बजट यूज किया जाता है. बजट पीरियड में उतना टारगेट आना चाहिए ये कोशिश की जाती है. ठीक है, यहाँ पे बजटिंग ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में ये खत्म होता है. और इसी के साथ आपका जो DSBM का सिलेबस है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का जो भी सिलेबस है वो खत्म होता है. ठीक है, तो इसके बाद हम DSBM का लेक्चर नहीं लेंगे. यहाँ पे आपके जो भी सारे चैप्टर्स है वो खत्म हो गए हैं. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें पूछ सकते हैं.